ভাৰতত এতিয়া কি চলি আছে? ভাৰত মে ফগ চল ৰহা হ্যায়। আকৌ এবাৰ শুনক। ভাৰত মে ফগ চল ৰহা হ্যায়। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। আমেৰিকা আৰু ইজিপ্ত ভ্ৰমণ কৰি নিজ দেশত ভৰি থৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু বিমানৰ পৰা নমাৰ পাছতে বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু অন্যান্য নেতা নেত্ৰীয়ে আদৰণি জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। বিমানৰ পৰা নামিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জে পি নাড্ডাক সুধিছিল ভাৰতত এতিয়া কি চলি আছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাড্ডাক সোধা এই প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমেই প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু সেই প্ৰশ্নৰ পাছতেই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উভতি ধৰে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰবন্ধ খেৰাই ফগ বিজ্ঞাপনৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উভতি ধৰে। প্ৰবন্ধ খেৰাই কি কৈছিল শুনক এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীজী, কাল আপ বিদেশ সে হিন্দুস্তান লোটে আৰু লোটতে ৱক্ত আপনে নাড্ডা চাহাব সে পুছা কি ইণ্ডিয়া মে ক্যা চল ৰহা হ্যায়। अब नड्डा साहब से पूछकर तो आपने गलत किया। नड्डा साहब का काम आपने जो दे रखा है उन्हें आपको पिकअप करने, आपको ड्रॉप करना की जो सर्विस है वो दे रखी है। इस दौरान वो बीच बीच में जहां हार जाती है भाजपा उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके अलावा नड्डा साहब के पास कुछ विशेष जिम्मेदारी तो है नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारत में फॉग चल रहा है। ये आपने विज्ञापन तो आप तो टीवी देखते ही रहते हैं पूरे दिन, तो विज्ञापन देखा होगा भारत में फॉग चल रहा है। इस फॉग का जो क्रिएशन है ये आपकी आईटी सेल और आपका प्रिय टेलीविजन मीडिया करता है। इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है? इस फॉग के पीछे मणिपुर आज भी जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो 300 जाने गई उस पे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का भयंकर प्रयास आपकी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, मणिपुर जाइए, सड़क पर उतरकर देखिए, आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करिए, टीवी के चैनल बंद कर दीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं जो भारत के लोग हैं ना वो भी अब टीवी की खबरों को देखकर कोई विश्वास नहीं बनाते अपनी किसी भी बात पर, आपकी किसी भी बात पर। इस दौरान आपके मित्र बराक ओबामा पर जो हमले हैं आपके मंत्रिमंडल से वो तेज हो रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस ने आपकी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आपके आईटी सेल वाले उनकी निंदा की है, सबरीना सिद्दीकी के ऊपर जो हमले आपके आईटी सेल कर रही है उसके खिलाफ। फॉग हटाइए, खुद जान जाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, अहम लाइफ 24। प्रधानमंत्री जी, कल आप विदेश से हिंदुस्तान लौटे और लौटते वक्त आपने नड्डा साहब से पूछा कि इंडिया में क्या चल रहा है। अब नड्डा साहब से पूछकर तो आपने गलत किया। नड्डा साहब का काम आपने जो दे रखा है उन्हें आपको पिकअप करने, आपको ड्रॉप करना की जो सर्विस है वो दे रखी है। इस दौरान वो बीच बीच में जहां हार जाती है भाजपा उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके अलावा नड्डा साहब के पास कुछ विशेष जिम्मेदारी तो है नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारत में फॉग चल रहा है। ये आपने विज्ञापन तो आप तो टीवी देखते ही रहते हैं पूरे दिन, तो विज्ञापन देखा होगा भारत में फॉग चल रहा है। इस फॉग का जो क्रिएशन है ये आपकी आईटी सेल और आपका प्रिय टेलीविजन मीडिया करता है। इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है? इस फॉग के पीछे मणिपुर आज भी जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो 300 जाने गई उस पे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का भयंकर प्रयास आपकी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, मणिपुर जाइए, सड़क पर उतरकर देखिए, आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करिए, टीवी के चैनल बंद कर दीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं जो भारत के लोग हैं ना वो भी अब टीवी की खबरों को देखकर कोई विश्वास नहीं बनाते अपनी किसी भी बात पर, आपकी किसी भी बात पर। इस दौरान आपके मित्र बराक ओबामा पर जो हमले हैं आपके मंत्रिमंडल से वो तेज हो रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस ने आपकी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आपके आईटी सेल वाले उनकी निंदा की है, सबरीना सिद्दीकी के ऊपर जो हमले आपके आईटी सेल कर रही है उसके खिलाफ। फॉग हटाइए, खुद जान जाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है।